अड्डा खराब करना चाहा तो सारी चींटियां गुस्सा होकर उसकी सूंड में घुसकर उसको काटने लगी। एक बार की बात है, एक मुर्गा और एक लोमड़ी रहती थी। तो मुर्गा रोज एक छत पर बांग देता और लोमड़ी उसे देखकर उसे में लालच आ गया। चींटी और चिड़िया बहुत अच्छे मित्र थे। चींटी बहुत मेहनती थी पर जो चिड़िया थी वो आलसी थी। एक दिन चींटी ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया बरसात का मौसम आने वाला है, तुम अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर लो। पर चिड़िया ने उस पर ना ध्यान देते हुए वहाँ से उड़ गई। एक शहर में एक दो बच्चे रहते थे, एक का नाम सेठी था और एक का नाम राहुल। राहुल जो था वो उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था, वो बहुत अच्छा था पढ़ने में भी, सेठी भी बहुत अच्छी थी, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन एक चींटी एक पेड़ पर चढ़ रही थी, उसको कबूतर देख रहा उसको एक कबूतर देख रहा था और वो चींटी गिर गई और वो चींटी नदी में गिरी, जिसको वो कबूतर देख रहा था। उस कबूतर ने एक पत्ता निकाल कर उस नदी में फेंका तो वो चींटी उस पत्ते पे चढ़ गई और किनारे में आकर उसका धन्यवाद करी। एक गांव में एक जमींदार रहा करता था जो अत्यधिक अमीर था, बहुत अमीर था, और गांव वाले उसे इस अमीरी की वजह से बेहद सुखी इंसान माना करते थे, परंतु ऐसा नहीं था। उसके तीन बेटे थे जो बहुत सुंदर थे, परंतु वो आपस में झगड़ते रहते थे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। वे अपने एक शिष्य आनंद के साथ गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। वे लोग निकले, वे लोग थोड़ी ही दूर चलने के बाद बहुत थक गए थे, फिर भी वो लोग रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देरी के बाद उन्हें एक इंसान मिला। उनसे गुरुदेव ने पूछा कि अरे भाई, आप बताएंगे कि गांव पहुंचने में कितना और दूरी है? तो उन्होंने कहा कि आप पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 किलोमीटर की दूरी है। गुरुदेव उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान बुद्ध एक दिन एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे और अपने सभी भक्तों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी वहां एक वृद्धा आई। वह अपनी कांपती आवाज में भगवान बुद्ध को कह रही थी, भगवान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु आज मुझे एक आम मिला। मैं उसे आधा खा ही चुकी थी, तभी मुझे पता चला कि आप सभी भक्तों की भेंट स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं इस आम को लेके आपको भेंट करने आ गई।